आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों प्रश्न है कि निम्न समस्याओं के में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी और 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 7 वर्ष अधिक होगी। तो दोस्तों यहाँ से पिता की उम्र है x वर्ष और पुत्र की उम्र है y वर्ष। तो अगर पिता की उम्र x वर्ष दी गई है तो पहली शर्त के अनुसार 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 2 वर्ष पहले यानी कि अगर हम देखें यहाँ से तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र होगी x माइनस 2 और पुत्र की उम्र होगी y माइनस 2। ठीक है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी तो x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 5y माइनस 2। इसे हल करेंगे यहाँ से तो मिलेगा x माइनस 2 बराबर 5y माइनस 10 और इसका मान मिल जाएगा हमें यहाँ से x माइनस 5y बराबर माइनस 8। ये आपको समीकरण संख्या 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप चलते हैं, हम चलते हैं दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति क्या है कि 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 7 वर्ष अधिक हो जाएगी। 2 वर्ष बाद जो होगा क्या हो जाएगा उसकी उम्र, 2 वर्ष बाद अगर हम देखें यहाँ से तो x धन 2। ठीक है, 2 वर्ष बाद मान आएगा हमारे पास x धन 2। x 2 वर्ष बाद उसकी जो उम्र होगी पुत्र की उम्र की 3 गुनी, तो 2 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी x y धन 2, इसकी 3 गुनी से 7 अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसे आगे के तो क्या लिख सकते हैं, x धन 2 बराबर 3y धन 6 धन 7। तो यहां से मिल जाएगा हमारे पास x माइनस 3y बराबर 11। ठीक है, x माइनस 3y बराबर 11, तो यहां से ये मिल जाएगा हमें समीकरण संख्या 2। तो अब हमारे पास 2 समीकरण मिल गए, समीकरण संख्या 1 मिल गया, समीकरण संख्या 2 मिल गया। ठीक है, अब हमको इसको ग्राफी यानी आलेखी विधि से हल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इनको x और y अक्ष पर निर्देशित करेंगे तो यह बिंदु x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, यहां पर y का मान 0 होगा तो इसमें y का मान 0 रखते हैं तो x माइनस 0 बराबर माइनस 8, तो x का मान मिल जाएगा हमें माइनस 8। और अगर y का मान हम 0 रखते हैं x अक्ष पर काटते हैं और अगर y अक्ष की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, y अक्ष के लिए हमारे पास x का मान, अब यहां से y अक्ष के लिए x का मान 0 हो जाएगा, तो अगर x का मान 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, यहां से 0 माइनस 5y बराबर माइनस 8, तो y का मान हो जाएगा 1.6। तो बिंदु हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस 8.0 और 0.1.6, ये मिल जाएगा। अब अगर आप दोस्तों देखते हैं दूसरा बिंदु, यहाँ पर x माइनस 3y बराबर 11 है। ठीक है, तो x का मान 0 के बराबर है तो माइनस 3y बराबर 11, तो y बराबर क्या मिलेगा, माइनस 11/3। अगर आप यहाँ से देखेंगे y का मान 0 रखेंगे तो जिस बिंदु पर y का मान 0 होगा x अक्ष होगा, x अक्ष पर होगा, तो अगर आप y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो बिंदु क्या हो जाएंगे, इसके कटान बिंदु या x अक्ष पर काटेगा, y अक्ष पर काटेगा 0.-11/3 पर और x अक्ष पर काटेगा 11.0 पर। ठीक है, तो अब इनको हम बना लेते हैं। अब दोस्तों यहां से हम देखेंगे तो पहला बिंदु है, यहां से मिलेगा -8.0 बताया जा रहा है, तो पहले सारे बिंदु लिख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे पास जो बिंदु दिए हैं उनको देखते हैं, यहाँ से सबसे पहले ए दिया हुआ है -8.0, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये है बिंदु ए -8.0। ठीक है, बिंदु बी है 0.1/6, तो ये हो जाएगा बिंदु बी 0.1/6, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों हम, ये हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो -8.0 ये बिंदु हो जाएगा और ये बिंदु हो जाएगा
और इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों बिंदुओं को आप मिलाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बिंदु आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप आगे देखें यहाँ से तो बिंदु C क्या है, बिंदु C है 0, -3.3, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, 0.66, ठीक है। तो 1, 2, 3 और ये 0.66, तो ये आपके पास हो जाएगा ये बिंदु C, और बिंदु D हो जाएगा 11.0। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये बिंदु D मिल जाएगा हमें। हम इन्हें मिला देते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इनको हल करेंगे, यहाँ से देखेंगे, अगर आप इन्हें हल करेंगे तो ये दोनों काफ़ी दूरी पर जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये रेखा काफ़ी दूर पर जाकर इसको मिलेगी, ठीक है, तो जो कि यहाँ पर अभी हम खींच पाने में असमर्थ हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हम इसको सीधे हल करना चाह रहे हैं तो हम एक बात बोल सकते हैं कि ग्राफी विधि से भी हल करेंगे चाहे जिस विधि से हल करेंगे तो इसके मान क्या आएंगे। अगर आप देखेंगे x-5y को हल कर सकते हैं, x-5y = -8 और x-3y = 11। अगर आप इसे घटा दें माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा -2y = -19, तो y का मान मिलेगा हमें 9.5। तो यहाँ से हमें इसका y निर्देशांक मिल जाएगा, और y का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, x-5 × 9.5 = -8। तो x बराबर मिल जाएगा -8 × 5 = 25 और 5 × 45 = 47। तो दोस्तों ये मिलेगा हमारे पास 39.5 पर जाकर मिलेगा। इस तरह से इनकी आयु हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक दूसरे को काटेंगे और यहाँ पर जाकर एक दूसरे को मिलेंगे। तो अगर आप उम्र का निकालना चाहते हैं तो पिता की उम्र होगी 39.5 और वाई होगी 9.5 पुत्र की, ठीक है। इस तरह से ये मिल जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।